हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना है और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल यूथ इंडियन को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है अध्यापकों के प्रयास पर, छात्रों की रुचि पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सोचिएगा। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण की तीन प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल रुचियां, अभिवृत्तियां, योग्यता प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग। इसका राइट आंसर सोचिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? अवगुण क्या है? रुचिकर होता है, दीर्घकालीन होता है, समय ज़्यादा लेता है, या समवाय सिद्धांत की पालन करता है, या रचनात्मक है। प्रोजेक्ट विधि आपको पता होगा किसने इसको इसकी खोज की थी, किलपैट्रिक, जो कि जॉन डेवी के शिष्य थे। इसका राइट आंसर है दीर्घकालीन। इसको प्रोजेक्ट विधि में समय ज़्यादा लगता है। इसका राइट आंसर है। तारा देवी रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सामान्य विज्ञान शिक्षण संबंधी उद्देश्य बताए हैं। तारा देवी रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सामान्य विज्ञान शिक्षण संबंधी उद्देश्य बताए हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, बालकों में प्रशिक्षण, खोज, वर्गीकरण एवं व्यवस्थित अध्ययन आदतों का निर्माण करना, या फिर बालकों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके ऑप्शन भी आपके सामने है। राइट आंसर आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि, या ये सभी। इसका राइट आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है। विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है लेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ खींचने में सारणी का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। टोली शिक्षण में क्या होता है? कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, अनुदेशन एवं नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता, या बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता, या कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व तो होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा क्या, जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, शिक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं सीखने का उचित वातावरण तैयार करने हेतु, अध्यापक के एक निर्देशन के रूप में सहायता करने हेतु, या छात्र व शिक्षक के बीच उचित तालमेल होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो कृपया, और हमारे इस YouTube चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्य कार्यत संस्था है। विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्य कार्यत संस्था कौन सी है? यूनेस्को एवं यूनिसेफ है, NCERT है, ऑल इंडिया साइंस टीचर एसोसिएशन है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर बालकों को जानकारी देना चाहिए वैज्ञानिक विधि द्वारा, निगमात्मक विधि द्वारा, या ए तथा बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। योजना विधि का जन्म माना जाता है। योजना विधि का जन्म माना जाता है प्रयोजनवाद से, आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, या यथार्थवाद से। योजना विधि का ध्यान से देखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रयोजनवाद से। योजना विधि, जिसे परियोजना विधि भी कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि को कहा जाता है। विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि को कहा जाता है एक वैज्ञानिक विधि, सामाजिक विधि, मानवीय विधि, या बाल शिक्षण विधि। इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान शिक्षण की सफलता के मापदंड है। सामान्य विज्ञान शिक्षण की सफलता के मापदंड है बालकों के दैनिक जीवन से संबंधित वर्तमान समस्याओं का समाधान, विविध उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सफल विज्ञान शिक्षण से छात्र की रुचियों में परिवर्तन अपेक्षित है। विज्ञान साहित्य पढ़ना,
वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना, या वैज्ञानिक क्लब में साहित्य, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है विश्लेषण व संश्लेषण, अनुमूलन व विचारना, या नियंत्रण समायोजन, या ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद है। प्राथमिक स्तर पर, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में, उच्च कक्षाओं में, या प्रत्येक संस्था में। इसका राइट आंसर आएगा प्राथमिक स्तर पर अन्वेषण विधि, जिसे खोज विधि भी कहते हैं। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली है। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली क्या है? मॉरिशियन ने दी है, फ्रोबोल ने दी है, या हर्बर्ट ने दी है, या ब्रूनर ने दी है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के ऐतिहासिक क्रम में किस तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हुआ है? प्रदर्शन विधि का, संभाषण तकनीक का, दत्त कार्य विधि का, या प्रयोगात्मक विधि का। इसका राइट आंसर है संभाषण तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के सिद्धांत है। अन्वेषण विधि के सिद्धांत है करके सीखने पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, या क्रियाशीलता पर आधारित है, या ये सभी है। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे द्वारा निकाली गई यह वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दो, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, और दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।